हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आज मैं आप लोगों को द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो जिसका मैंने पार्ट 2 ख़त्म कर दिया था कल, उसके आगे की पोएम विंड, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विंड मींस क्या होता है, हवा होती है। दिस पोएम वॉज कंपोज बाई सुब्रमण्य भारती। ये साउथ इंडियन पोएट है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस पोएम में जो पोएट है वो बताता है कि जो हवा है वो कमज़ोर लोगों को परेशान करती है, उनकी चीज़ों को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें कमज़ोर हैं। लेकिन पोएट हवा को बुरा नहीं कहता, वो कहता है कि अगर तुम्हें हवा का दोस्त बनना है, मित्र बनना है, तो तुम्हें जो है वो खुद को मजबूत करना होगा। द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। इस पोएम में जो पोएट है वो रिक्वेस्ट करता है कि हवा जो है वो थोड़ा स्लो चले, चीज़ों को तोड़े नहीं। लेकिन बाद में वो ये भी कहता है, सजेस्ट करता है कि हम लोगों को, कि हम लोग स्ट्रांग बने, अपनी चीज़ों को स्ट्रांग बने, सो दैट हवा हमारी दोस्त बन जाए, चीज़ों को तोड़ ना पाए। ओके, तो ऐसा ही कुछ है इस पोएम में, है हमें स्ट्रांग बनने की सलाह दी जा रही है इस पोएम में। आइए शुरू करते हैं। लिखा है विंड कम सॉफ्टली, कि ओ हवा कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, मतलब धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। हवा की शटर मीन्स होता है पल्ले, जो जो खिड़कियों के दरवाजे होते हैं, खिड़कियों के दरवाजे, जिसको पल्ला बोलते हैं। ओके, एक टाइप का बोल सकते हैं फ्रेम। तो विंडो यानी कि जो खिड़कियों के शटर हैं, डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, उसे मत तोड़ो। पोएट हवा से कहता है कि धीरे धीरे चलो, कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ, डोंट ब्रेक और मत तोड़ो खिड़कियों के दरवाजे। डोंट स्कैटर द पेपर। देखिए, स्कैटर मीन्स होता है फैला देना। वो कहता है पेपर यानी कागजों को फैलाओ मत। हवा चलती है तो क्या होता है, सारे कागज बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ। देखिए, सेल्फ मीन्स होता है अलमारी। वो कहता है डोंट थ्रो और डोंट थ्रो डाउन, और नीचे मत फेंको किताबों को, ऑन द सेल्फ, अलमारी से, मतलब अलमारी से बुक्स को नीचे मत फेंको। ओके, क्योंकि हवा जब चलती है तो क्या होता है कि बुक्स भी गिर जाते। देयर, वहाँ, लुक वॉट यू डिड, देखो वहाँ, वॉट यू डिड, तुमने क्या किया था। यू थ्रू ऑल देम ऑल डाउन, तुमने वहाँ सब कुछ गिरा दिया था, सब कुछ ख़त्म कर दिया था, मतलब कहीं कहीं की बात कर रहा है, जहाँ पर हवा तेज आई होगी वहाँ की बात कर रहा है, कि देखो तुमने वहाँ क्या किया था, तुमने वहाँ सब कुछ गिरा दिया था। यू टोर, तुमने फाड़ दिया था, टोर मीन्स होता है फाड़ देना। द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को, तुमने किताबों के जो पन्ने थे उनको क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम जो है दोबारा से बरसात भी लाई थी। ब्रॉट मीन्स होता है लाना। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। किसको कहा जा रहा है ये सारी बातें? हवा को कहा जा रहा है। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, एट पॉकिंग फन एट वीकली।
एड पॉकिंग फन मिस होता है मजाक उड़ाना, ओके, और वीकलिंग मिस होता है कमज़ोर लोगों का। पोएट हवा से कहते हैं, विंड से कहते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, तुम कमज़ोर लोगों का क्या उड़ाते हो, मजाक उड़ाती। फेयर क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल, फ्रेल मिस बेटा होता है कमज़ोर, और क्रम्बलिंग मिस होता है जो टूटने वाला, एक कमज़ोर टूटने वाले घर का, टूटने वाले दरवाजे का, क्रम्बलिंग डोर्स का, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स और टूटने वाली रैफ्टर्स, रैफ्टर्स मिस बेटा होता है जो आपका जिसके सहारे घर टिका होता है, जिसको कड़ी बोल सकते हो, मतलब जिसके एक सहारे छत टिकी होती है उसको बोलते हैं रैफ्टर्स। और कमज़ोर उस कड़ी का जिससे छतें छत रुकी हुई है, क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर लकड़ी का, क्रम्बलिंग बॉडीज, कमज़ोर शरीर का, क्रम्बलिंग लाइफ, कमज़ोर जिंदगी का, क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमज़ोर हृदय का। यहाँ फिर से देखिए, पोएट कहते हैं कि तुम बहुत चतुर हो हवा, तुम बहुत चतुर हो, तुम कमज़ोर लोगों क्या क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। किन कमज़ोर लोगों का? जो घर टूटने वाले हैं, गिरने वाले हैं, उनका, कि तुम ज़ोर से चलोगे वो घर गिर जाएगा। क्रम्बलिंग डोर, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनका मजाक उड़ाती, ज़ोर से चलती हो दरवाजे टूट जाएंगे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, उन बल्लियों और राफ्टर्स का तुम मजाक उड़ाती हो जिससे घर टिका हुआ है। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर लकड़ियों का मजाक उड़ाती हो, तुम चलती हो तो लकड़ियाँ हिलती हैं, गिर जाती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, शरीर, कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसका मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग लाइफ, तुम जिंदगी, जो जिसकी कमज़ोर ज़िंदगी है उसका मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग हार्ट, जिसका हृदय कमज़ोर है तुम उसको उसका मजाक करती हो। द विंड गॉड, ये जो हवा है, गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड का मतलब जो पवन के देवता है उनकी बात करी जा रही, पवन देव। द विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स होता है अनाज से भूसा अलग करना, ओके? जब कोई चीज़ जैसे अनाज होता है उसमें जो भूसा मिला होता है उसको अलग करने को कहते हैं विनोज। कि जो द विंड गॉड की जो पवन देवता है वो अनाज से भूसा अलग कर रहे हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, क्रशेस मिस होते हैं कुचल देना, और फिर उसे कुचल देते हैं। वो क्या, वो पवन देवता क्या करते हैं, जब वो चलते हैं तो अगर आपने देखा होगा तो अनाज से भूसा कैसे अलग किया जाता है, ऊंचाई पर उठा के उठाते हैं और हवा की तरफ, जिस तरफ हवा चल रही होती उस तरफ उसको करते हैं तो भूसा उड़ जाता है और अनाज नीचे बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। फिर अनाज को तो आदमी यूज़ कर लेता है, अनाज भारी होता है क्योंकि मजबूत होता है, और भूसा कैसा होता है, कमज़ोर होता है, बाद में उसे कुचल दिया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो पवन देवता हैं वो अनाज के भूसे के जैसे हम सबको अलग कर देते हैं और उसके बाद उन सभी चीज़ों को कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू, वह ऐसा नहीं करेंगे, वॉट टू टेल हिम, जो तुमने उनसे, तुम जो भी तुम उनसे कहते हो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी बात हवा किससे बात करी, उसके बाद अब वो हम लोगों से कह रहे हैं। पोएट कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कुछ भी कहो तो वो ऐसा नहीं करेंगे। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग, चलो उठो और बिल्ड बनाओ, स्ट्रांग हो, मजबूत घर बनाओ। जिस जो तुमने ऊपर ये जितनी बातें कही वो नहीं करेंगे, अगर तुम चाहो तो भी वो नहीं करेंगे। अगर सो कम, इसलिए उठो, लेट्स बिल्ड, और बनाओ क्या, स्ट्रांग हो, मजबूत घर। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, फर्मली में दृढ़ता,
पूरे दृढ़ता के साथ दरवाजों को ज्वाइंट करो, मतलब बड़ी मजबूती के साथ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, बॉडी को दृढ़ बनाने की प्रैक्टिस करो। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, देखिए स्टेड फास्ट मिस होता है बेटा कोई भी चीज़ जो अपनी जगह पर टिकी रहे, हिले डुले ना। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने हृदय को स्टेड फास्ट बनाओ, मतलब अटल बनाओ। डू दिस, यह करो, एंड देन एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और ये सारी चीज़ें करो तब जो हवा है वो तुम्हारी क्या, हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। मतलब अगर खुद को कमज़ोर ना करके खुद को मजबूत करो तो ये जो हवा है वो क्या बन जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो हवा है वो बहती है ना, वो बहती है वीक फायर में, जो कमज़ोर जो आग है उसमें। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, और उसके बाद वह क्या बना देती है, उसको मजबूत आग बना देती है। अगर हल्का हल्का आग बह कहीं पर जल रही है और वहाँ पर आप देखिए फूंक मारिए तो और तेज आग लग जाती है ना, वैसे ही बता रहा है कि अगर कहीं पर हल्की आग लगी हुई है, वीक फायर है, तो वह उसको क्या बना देती है, स्ट्रॉन्ग फायर बना देती है, मजबूत आग बना देती है। क्योंकि आग के हवा के संपर्क में आग जो है और भी ज़्यादा भड़क जाती है। रोर एंड फ्लोरिस, कैसी गरजने लगती है, एंड फ्लोरिस, फ्लोरिस में होता है बेटा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना, तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता जो है वो अच्छी है, किसकी मित्रता, विंड की। वी पेज, हम प्रशंसा करते हैं उसकी एवरी डे, हर दिन हम उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसकी दोस्ती अच्छी है, वो हमें मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं बनाती है। ओके, देखिए पोएम में कुछ है कि केवल पोएट जो है वो हमें मजबूत बनने की सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हवा जो है वो हमारी दुश्मन नहीं है, हवा हमारी मित्र है, अगर हम खुद को मजबूत बनाएं तो अभी हवा जो है वो हमारे मित्र के जैसे हमसे रिएक्ट करेगी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ओके, गुड डे।